हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि MM डैश एक मिरर है, MM डैश मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है, ये एक स्फेरिकल मिरर है, मिरर का एक सेंटर होगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक स्फेयर बनाऊं कुछ इस तरह से, तो इसका एक सेंटर होगा, तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं, मान लो दो रेज मैंने बनाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है और एक प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर है, जैसे एक ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक है, ये दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज रे होती है ये दोनों रे, इसको पैराक्सियल रेज बोलते हैं, पैराक्सियल रेज बोलते हैं, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर से पास कर रही होती हैं लेकिन दोनों ही पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, इनको मार्जिनल रेज बोला जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों का जो फोकस होता है वो अलग अलग होता है। मार्जिनल रेज का जो फोकस होता है वो नज़दीक फोकस करता है, जबकि पैराक्सियल रेज का जो फोकस होता है वो थोड़ा दूर फोकस कर, पैराक्सियल रेज का जो रे होती है, मार्जिनल रेज की जो फोकल पॉइंट है उसको आप FM से डिनोट करते हो, पैराक्सियल रेज की जो फोकल पॉइंट होती है उसको आप FP से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये पैराक्सियल रेज का फोकस फोकल पॉइंट है इसलिए FP, मार्जिनल रेज का फोकल पॉइंट है इसलिए FM। क्योंकि ये दोनों का फोकल पॉइंट अलग अलग है तो इससे जो इमेज बनेगी वो बहुत ब्लर बनेगी, ये पॉइंट याद रखना, बहुत ब्लर बनेगी, इसीलिए हम पैराक्सियल रेज का ही इस्तेमाल करते हैं इमेज बनाने में, मार्जिनल रेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ कहीं है, तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे ये मार्जिनल रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मार्जिनल रेज का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है RM, और ये है आपका पैराक्सियल रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है पैराक्सियल रेज का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो होता क्या है कि मार्जिनल रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर तो होता है मार्जिनल रेज के रिफ्लेक्शन के, लेकिन ये वैल्यू बड़ी होती है पैराक्सियल रेज के एंगल ऑफ इंसिडेंस से और पैराक्सियल रेज के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ी होती है। ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज क्योंकि आपस में बराबर हैं स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती हैं। मार्जिनल रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है पैराक्सियल रेज के, हाँ पैराक्सियल रेज के एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो हम लोग ये जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है जब थीटा की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री होती है। तो हमको चाहिए क्या, हमको एंगल की वैल्यू बहुत कम चाहिए जिससे कि हम थीटा की वैल्यू साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू इक्वेट कर सकें, इसीलिए हम मार्जिनल रेज का यूज़ नहीं करते हैं, पैराक्सियल रेज का ही यूज़ करते हैं इमेज को बनाने में, ठीक है। टेलीस्कोप में ये पैराबोलिक जो है वो मिरर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। पहले इस्तेमाल होता था स्फेरिकल मिरर, जैसे कनकेव मिरर है उसको एज अ टेलीस्कोप जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की तरह यूज़ किया जाता था, क्योंकि इसका फोकल पॉइंट अलग अलग जगह है, फोकल लेंथ अलग अलग होगी, इसलिए इमेज जो है काफ़ी ब्लर हो जाती है। अगर आप अलग अलग इमेज बन रही है तो सभी ब्लर बनेगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम मार्जिनल रेज को छोड़ देते हैं, सिर्फ पैराक्सियल रेज का ही यूज़ करते हैं जिससे इमेज बन जाए और क्लियर बने, लेकिन वो भी आपकी ब्लर हो जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम पैराबोलिक जो है मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रे जा रही हो चाहे वो नज़दीक हो, सब की सब एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट होती हैं। इसीलिए टेलीस्कोप में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग पैराबोलिक मिरर का इस्तेमाल करते हैं। पैराबोलिक का शेप तो तुमको पता ही है, इस तरह का बनता है, इस तरह का बनता है, ध्यान दिया होगा तुमने, ठीक है, बात समझ आ गई, डाउट है इसमें, चलो आगे बढ़ा जाएं।